दूसरी का ऐसी ठीक कर लोगे ना आप तो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की चीज भी हो। सुबह उठते थे लोग एक्सरसाइज करते थे, वो फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो गई है, कोई नहीं बोलता कि मुझे क्रिएटिविटी करनी है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो म्यूजिक बजाते हैं उनका दिमाग सामान्य लोगों से बहुत ज्यादा ओपन होता है। कोई म्यूजिक की बात नहीं करता, कोई क्रिएटिविटी की बात नहीं करता, सब जॉब की बात करते। जॉब नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या? दो टाइम का खाना नहीं मिलेगा क्या? मैंने कई बार बोला कि जॉब इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट अ लाइफ, ठीक है, सिर्फ वो एक जीवन का एक हिस्सा है। जीवन को कैसे जीना है ये आपके हाथ में। तो ये टॉपिक जब मैं सिलेक्ट करा तो मुझे लगा था कि जनरल एक बाइफर्केशन थोड़ा सा देना चाहिए किसी चीज पर। फिर हम जैसे ही चलते हैं कि अब हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, हम एक स्टैंडर्ड को कैसे करें, एक स्टैंडर्ड पर कैसे लाकर उसको खड़ा करें। आप एक ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत ही अच्छी अनुकृति है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। आपको घर जाके मॉम डैड नहीं करना, हाय मॉम हाय डैड। आप कभी सुबह उठते ही साथ अगर डैडी से बोल रहे डैडी गुड मॉर्निंग क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता है? ये प्रैक्टिकली नहीं होता, नहीं करते हम ये चीज। क्यों? क्योंकि हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी है, हमें पर्सनैलिटी सिर्फ उस जगह करनी है जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज और पता चलेगा, इसी बात की चलती एक और बात निकल जाती है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक्टर है। आपको पता है आप यहाँ पर जब स्टूडेंट पढ़ते हो तो आप एक अलग एक्टिंग करते हो, जब आप सामने खड़े होकर बोलते हो तो आप एक अलग एक्टिंग करते हो, आप कंप्यूटर ऑपरेट करोगे तो भी अलग एक्टिंग करोगे, एग्जाम देने जाओगे तो वहां अलग एक्टिंग करोगे, इंटरव्यू दोगे तो अलग एक्टिंग करोगे, बॉस के सामने अलग एक्ट करोगे, मम्मी पापा के सामने अलग एक्ट करोगे, और आपका असली रूप आपके फ्रेंड्स के सामने रहता है। आप अपने फ्रेंड के साथ जब गुमकी में खड़े रहते हो ना, वो दैट इज वो जब आपके अंदर का आदमी सही वाला जागता है, तो वैसे ही रहो, वैसे ही बनने की जरूरत है, आर्टिफिशियल बनने की जरूरत नहीं है। हमने मशीनों को बनाया, मशीनों ने हमको नहीं बनाया। इस कारण को ये सब चीज करते करते हम जाते हैं पूरे स्ट्रेस में। अब स्ट्रेस पहुंचा, आप ऑर्गेनाइजेशन में गए तो आपका जो पर्सनैलिटी होती है उसको आपको ग्रूम करना है। तो ग्रूमिंग का क्या होता है? एक तो पहनावा, इसका ये मतलब नहीं कि आप 10,000 का सूट पहनकर गए हो, आपका नॉलेज लेवल अच्छा है, लेकिन अगर आपने मुंह गड़बड़ खोल दिया तो भी आप जीरो हैं। एक प्रॉपर संतुलन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन और एक शिष्टाचार हमें रखना पड़ेगा। जो बायोलॉजिकल क्लॉक हम लेते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक पर सुबह से लेते तो एक मेलाटोनिन करके कुछ एक तत्व रिलीज होता है जो सूर्य से होता है, विटामिन डी भी देता है, वो हमें सुलाता भी है। हमें कैसे पता चलता है शाम को कि हमें नींद आ गई है? हमारे अंदर भी तो मशीन है, कभी अपनी मशीन को भी तो देखो। आप ऐसी कई मशीनों को ऑपरेट करती हुई फेंक देंगे पता चलेगा आप बहुत ऊपर हैं मशीन के ऊपर, क्योंकि आप एक ऐसे प्राणी हैं जिनके पास दिमाग है, बाकी और कोई के पास नहीं है अभी फिलहाल। वेल, हम थे स्टैंडर्ड में जाने के लिए, तो आपको उसमें आता है ड्रेसिंग सेंस। आपको ड्रेसिंग सेंस कैसा रखना चाहिए? डिसेंस। और एक होता है शिष्टाचार बिहेवियर। जैसे क्लास में देखता हूँ चलो ये तो हमारे सब भाई लोग जैसे ही है, लेकिन कुछ लोग बच्चे यहाँ पर लड़िया कर बात कर देते हैं जैसे बच्चे हैं, या कुछ लोग ऐसे बिहेव करेंगे क्योंकि बार बार रिपीटेड करेंगे, बार बार किसी चीज को प्रेशराइज करना, एम्फेसाइज करना, और कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे कि बिल्कुल बहुत ही एग्रेसिवली बात करेंगे। तो ये क्या बताता है? असंतुलन बनाता है। इसके चलते मैं आपको इंटरव्यू बताने वाला हूँ जो मैं बैंक में सिलेक्ट हुआ था, हमारे के गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर भी थे, कम्युनिकेशन भी अच्छा था उनका, लेकिन वो एक चीज से मार खा रहे। जब बाद में रिजल्ट आया तो कहते भाई ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, रिजल्ट जब आई दिस भाई उनको तो होना था, ये तो टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो फिर हमारे एचओडी ने बताया कि नहीं वो साइकोलॉजिकल ग्रुप में पास, ग्रुप में फेल हो गए साइकोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि आपके इंटरव्यू पैनल में 5 लोग बैठे हुए थे, एक व्यक्ति कुर्सी लाके कोने में बैठा था, वो छुप के बैठा था, वो किसी को देख नहीं रहा था। तो ऐसे 6 लोग थे पैनल में, 5 थे सामने, वो छुप के बैठा था पीछे, वो देख नहीं रहा था, बट वो ये देख रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आईटी और बैंकिंग इंडस्ट्री में हाई लेवल का स्ट्रेस होता है। आपका एक टीम लीडर रहेगा, उसके अंदर पूरे आपके सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, आपके जो कलीग्स रहेंगे काम करने वाले। सेम चीज वहां पर हुई। तो जैसे ही 5 लोगों ने इंटरव्यू लिया तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप यहाँ पर कुर्सी में बैठे हुए हैं, आपका पैर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, आप कुर्सी को कितनी तरह खींच कर बैठे कि नहीं, यहाँ पर ये खड़ा है अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे पैन का ज्यादा सहारा ले रहा है, ऐसा कर रहा, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर। आप कुर्सी को ज्यादा दबा के बैठे हो, उंगली कहीं ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे हो, बार बार यूं तो नहीं कर रहे हो, ये क्या थी बॉडी, ये आपको पता नहीं चलती है। आपका इंटरव्यू सॉलिड था, आपके अंदर नॉलेज अच्छा था, आपको हर चीज में परफेक्ट मिला, बट जब रिजल्ट आया तो जीरो, आप सिलेक्ट नहीं हुए। क्या था? ये एचआर राउंड था, एचआर का साइकोलॉजिकल राउंड था। तो यस, एचआर साइकोलॉजी। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा देखें, हमें कैसे डेवलप करना है, हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, एक डिसिप्लिन, हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सुधारनी है। अब हम जाते हैं कॉर्पोरेट लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल के हिसाब से जो आप नॉलेज अपडेशन आप उतना कीजिए। इसलिए मैं सोचा था कि आज कंप्यूटर ये वो ना सोच के थोड़ा सा जनरल वाला ओवरव्यू लिया जाए कि एक्चुअली हम दूसरों चीजों को ना सुधार के पहले अपने आप को सुधार लें। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसे हम सुधरेंगे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सुधरेगी, हमारा स्ट्रेस दूर होगा। सुनिएगा, पूरी प्रोसेस है, स्ट्रेस दूर होगा, और स्ट्रेस दूर होने के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। फिर कोई भी लैंग्वेज क्या, कंप्यूटर क्या, कोई भी चीज आप जो भी हैंडल करोगे बहुत अच्छे से करोगे।
तो बस यही सेशन मैं करूंगा आज। मैं होप सो कि मतलब जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ।